गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी और ब्रेकफास्ट के लिए पनीर परांठा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मैं भिंडी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, ये टोटल 10 मिनट्स रेसिपी है भिंडी की। ये मैंने इसमें ऑयल लिया है, वही येलो मस्टर्ड ऑयल। और अब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो मैंने ये भिंडी काट के रखी हुई है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही काटी थी। तो मैं इसको अभी आपके सामने सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये भिंडी रेडी हो जाएगी विदाउट डीप फ्राई फ्राई और लेस ऑयल। ये भिंडी 750 ग्राम भिंडी है जो मैं अभी इतने ऑयल में बनाऊंगी। फ्रेंड्स, जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, देखिए अब इसमें थोड़ा धुआं निकलना शुरू हो गया, जब तक मैंने इस चॉपर में प्याज चॉप कर लिए हैं। फ्रेंड्स, ये ऑयल गर्म हो गया है और तो मैंने गैस बंद कर दिया कुछ सेकेंड्स के लिए, तो अब थोड़ा सा ऑयल का फ़र्क पड़ गया। तो मैंने इसमें ये साबुत धनिया डाला है आधा चम्मच, और अब मैं इसके साथ साथ ही इसमें ये भिंडी डाल दूँगी। ये फ्रेंड्स, ये गैस बंद थी क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था, तो अब मैं दोबारा गैस चला रही हूँ क्योंकि जो मैंने धनिया डाला था, अगर मैं उसको गैस को बंद ना करती तो वो जल जाता। ये मैंने इसमें डाली, अब आप देखिए कुछ सेकंड के लिए ये ऐसे ही इसमें रहेगी। मेरे ऑनियंस चॉप हो गए हैं और अब मैं साथ साथ आटा भी लगा लूँगी, और एक बार ये भिंडी भी बीच में इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि ये नीचे जले। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही बिना ढके इसको ऐड देते हुए आपके सामने 10 से 15 मिनट के अंदर बनाऊंगी। ये आटा गूंथते गूंथते मैं साथ में भिंडी को भी एक बार और चला दूंगी। देखिए इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। फ्रेंड्स, मैंने आटा लगा लिया है, अब मैं इसके थोड़ा सा घी लगा दूँगी क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी रहेगा तो ये सॉफ्ट रहेगा और रोटी सॉफ्ट बनेगी। मैंने इसमें कोई थोड़ा सा नमक और पानी से आटा गूंथा है सिर्फ। फ्रेंड्स, देखिए भिंडी अब पकने वाली है क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो गया और जो इसमें तार आ रही थी वो अब इसलिए नहीं आ रही, धीरे धीरे कम हो गई है। और इस तरफ से मैंने ये आटा गूंथ लिया था और अब मैं इसमें ये मैंने पनीर क्रश कर लिया और इसमें ऑनियंस डाले। अब मैं इसमें धीरे धीरे सारे इंग्रीडियंट्स डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ये कसूरी मेथी, ये बेगी मिर्च, ये लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर, काली मिर्च, थोड़ी सी बिल्कुल अजवाइन, और ये गरम मसाला। तो फ्रेंड्स, मैं नमक इसमें तब डालूंगी जब मैं इसको बिल्कुल रेडी करूंगी अभी बनाने वक्त साथ साथ, क्योंकि अगर मैंने अभी डाल दिया तो ये सारा पनीर पानी छोड़ जाएगा। तो नमक अगर साथ साथ डालेंगे तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो पानी छोड़ने के बाद अगर मैंने पनीर का परौंठा बनाया तो परौंठा फट जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने तवा मान लिया है, अभी भी मैंने इसको रखा है, और अब मैं सबसे पहला फुलका जो है वो मैं बनाऊंगी गाय की रोटी, क्योंकि हमारे घर में सबसे पहली रोटी गाय की ही बनाई जाती है। एक आटे का पेड़ा लिया है मैंने, इसको थोड़ा सा वेल लिया है, और मैं अब इसमें एक ये इतना पनीर डालूंगी और साथ में मैं इसके ऊपर से ही नमक डाल दूँगी। ये फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको बंद करना बताती हूँ कैसे बंद करना है। ये मैंने तवे पे गाय का फुलका डाला हुआ है, ये भी रेडी हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये गाय की रोटी रेडी हो गई है। मैं इसको उतार के यहीं रख देती हूँ। थोड़ा सा घी और दो दाने भिंडी के, ये
ये मेरा, मैंने इसके अंदर पनीर स्टफ करके इसको इस तरीके से बंद कर दिया। अब मैं इसको सूखे आटे में लूँगी, इसी में मैं इसको ऐसे करके प्रेस करूँगी, पहले सेंटर से और फिर कॉर्नर से। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आटा आप झाड़ लेते हैं और अब मैं इसको गूंथना शुरू करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको साथ साथ वेल रही हूँ और अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक वेला जा रहा है, फटा नहीं है बिल्कुल भी कहीं से भी। ये देखिए, मैंने ये परांठा पूरा वेल दिया है और आपको इसको, आपको इसके ऊपर पनीर की स्टफिंग भी नज़र आ रही होगी, बट ये मैंने बहुत ही लाइट हाथों से इसको वेला है ताकि ज़्यादा फटे ना। अब मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये पनीर का परांठा एक बार खोल के दिखाती हूँ कि सारी तरफ इक्वल स्टफिंग है इसमें और कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई अंदर से। ये सिंगल परांठा मैंने बनाया, आई होप आपको मेरा ये परांठा पसंद आएगा। ये मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, जैसे आपका टेस्ट के हिसाब से आप डालेंगे। मैंने ये 750 ग्राम भिंडी है तो मैंने इसमें 3/4 स्पून नमक डाला है। ये साथ में मैंने इसमें हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, बस एक स्लाइटली सा इसको कलर देने के लिए, नहीं तो भिंडी का ओरिजिनल ग्रीन कलर जो है ना वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल लाइट सी डाली है। इधर से मैं परांठे को पलटा देती हूँ और अब मैंने इसमें क्या डालनी है, लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, साथ में अमचूर। उधर से मेरा परांठा भी रेडी हो रहा है साथ साथ ही। देखिए फ्रेंड, अब दोनों तरफ से परांठा पक गया है, अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी, पहले इस साइड फ्रंट साइड पे इसके, और गैस को मैं लो मीडियम रखूंगी। इधर से मैं इसके अंदर मैंने लाल मिर्च डाल दी है, अब मैं साथ में इसमें अमचूर डालूंगी टैंगी फ्लेवर के लिए, और लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला। ये सब मैंने इकट्ठे डाल दिया है क्योंकि अब इधर से मैंने इसको मेरा परांठा भी, आप देखिए मैं इसको, अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियसली बना रहे हैं कि घी कम लेना है तो आप बैक साइड पे ना ले रहे हैं, बट मैं इसको अपने बेटे के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट रहे, इसलिए मैं इसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से घी लगा रही हूँ। और इस तरह हम साथ में हम भिंडी को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मतलब आप ये देख लीजिए, मैंने जितनी देर में आटा गूंथा है, पनीर ब्रश किया और पनीर का ये परांठा बनाया, उतनी देर में ये आपके सामने भिंडी बिल्कुल रेडी है। मैं आपको भी चेक करा देती हूँ, ये देखिए आप एक बार दोबारा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आसानी से टूट गई। बाय फ्रेंड्स, ये था मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन। तो गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। बाय गाइस, बी सेफ, बी हैप्पी।